सबसे पहले डेटा है क्या, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। तो अब आप ये एसक्यूएल सर्वर है, MySQL है, और ओरेकल, जितने भी आपके RDBMSs हैं या DBMSs हैं, उसके अंदर आप डेटा को मैनेज करते हैं। तो सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डेटा है क्या। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास डेटा क्या है। डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट स्मॉल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। कि हमारे पास जब भी आप डेटा की बात करते हैं तो वो एक कलेक्शन होती है स्मॉल यूनिट ऑफ डेटा का या इंफॉर्मेशन का। इट कैन बी यूज इन अ वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक टेक्स्ट, नंबर्स, मीडिया, बाइट्स, ETC। तो आप ये जितनी भी चीजें सुन रहे होते हैं ना, टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गए, मीडिया है, या हमारे पास बाइट्स हैं, मीडिया, फोटोज, ऑडियो, वीडियो, इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है आपके एग्जाम्पल है डेटा के। उसके अलावा इट कैन बी स्टोर्ड इन पीसेस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी ETC। कि हम इस डेटा को एज अ, आजकल का जितना भी डेटा है वो डिजिटल डेटा, यानी उसको स्टोर करने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का क्या देते हैं, या आप समझ लो कि मेमोरीज के अंदर उसको स्टोर करते हैं, लाइक हार्ड डिस्क हैं, USBs हैं, आपके मेमोरी कार्ड हैं, इस तरह की जितनी भी स्टोरेज मेमोरीज हैं उनके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद ये वर्ड डेटा इज ऑर्गेनाइज फ्रॉम द वर्ड डेटम, दैट मीन्स सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये डेटा वर्ड कहां से आया, डेटा UM आप उसके साथ जोड़ लो, तो ये उसी से जो है क्या हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ, यानी डेटम से डेटा वर्ड को क्या किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका मकसद क्या है, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट इज प्लूरल ऑफ वर्ड डेटम। कौन सा क्लियर हो गया, डेटम वर्ड का डेटा प्लूरल है, सही है। अच्छा, अब इन कंप्यूटिंग डेटा इज इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू अ फॉर्म ऑफ, फॉर्म फॉर एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ प्रोसेसिंग। अब सबसे पहले हमारे पास कंप्यूटिंग के अंदर, या आप समझ लो कंप्यूटर की जितनी भी कैलकुलेशंस आप परफॉर्म करते हैं, उसके अंदर डेटा क्या है, एक इंफॉर्मेशन है जिसको हम ट्रांसलेट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, सही है। या आपको नीचे एक पॉइंट मिलेगी, डेटा क्या है, इंटरचेंजेबल है। कौन से क्लियर हो गया बेटा, डेटा इंटरचेंजेबल है, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता, सही है। जैसे टेक्स्ट के थ्रू आप उसके टेबल बना सकते हो, टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स रख सकते हैं, इसी टेक्स्ट को लेकर आप डायग्राम्स, चार्ट्स, एनिमेशंस ये बना सकते हैं ना बेटा, सही है। इसी तरह से हमारा क्या है, डेटा वेरी होता रहता है, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है जी, उसके बाद डेटा कैन बी डिफाइंड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स और इंस्ट्रक्शंस इन अ फॉर्मलाइज्ड मैनर। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि डेटा क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स की, या कॉन्सेप्ट्स की, या इंस्ट्रक्शंस की। हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं ना, किसी भी तरह के इंस्ट्रक्शन, चाहे वो आपकी कंप्यूटर की क्या होती है, कोडिंग होती है, उसमें भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना, टू मेक अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। तो इंस्ट्रक्शन हो गई, या कोई कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को भी आप डेटा कह सकते हैं, या आपका क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी आप क्या कहते हैं, डेटा ही कहते हैं, लेकिन वो एक ऐसे फॉर्म में हो, फॉर्मलाइज फॉर्म में, विच शुड बी सुटेबल फॉर कम्युनिकेशन, इंटरप्रिटेशन और प्रोसेसिंग बाय ह्यूमन और इलेक्ट्रॉनिक मशीन। यानी इस तरह के जितने भी डेटा के टाइप हैं, आपके वे हैं, जो क्या करते हैं, सुटेबल होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। इंटरप्रिटेशन का मकसद है समझना, सही है। इसी तरह हमारे पास क्या है कि आपका वो डेटा प्रोसेस होता है या तो ह्यूमन से या तो किसी मशीन से। कौन सा क्लियर हो गया। उसके बाद डेटा इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स सच एज अल्फाबेट्स, A to Z होते हैं कैपिटल में या स्मॉल में, या डिजिट्स होते हैं 0 to 9 में। इसी तरह से आपके कोई सिंबल्स, कैरेक्टर्स, ये सारे के सारे डेटा है। ये क्या है बेटा, डेटा है। अब डेटा के अगर कुछ एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो हमारे पास टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, इमेजेस है, एनिमेशंस है, ग्राफिक्स है, ये सब के सब क्या है, डेटा के एक समझ ले स्पेसिफिक टाइप्स है या एग्जाम्पल्स है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं डेटा के बाद इंफॉर्मेशन को।